नमस्ते किशन भाइयों, कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्रिपल आर नाथ से किशन भाई को स्वागत करती हूँ। आज हमने कुछ मैंगो का नया वैरायटी लेके आया है, वो वाला आप लोग को दिखाने वाला है और वीडियो आगे तक देखते रहे, ठीक है। ये जो प्लांट आप लोग देखा रही है, ये बोरुना मैंगो प्लांट, देखिए कितना अच्छा प्लांट है और कितना हल्दी प्लांट है। सभी प्लांट है, ग्राफ्टिंग वाला है, देख लीजिए इसका अंदर। और पेड़ का हाइट आपको 3 फुट प्लस होगा, काफ़ी अच्छा हाइट है ये प्लांटेशन करने के लिए। और ये है थाई बेल का ग्राफ्टिंग, देख लीजिए। हमारा पास जो बेल का जो पौधा है, आपको इसका जो फ्रूट होता है लगभग आपको 780 ग्राम तक वजन होता है एक एक फ्रूट में। ये देख लीजिए थाई बेल का, सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, देख लीजिए थाईलैंड का न्यू वैरायटी है। कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारा पास, आप लोग देख सकते हैं। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ये प्लांट लेने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से, देख लीजिए। ये है सुपर भागी अनार का पौधा है, देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा प्लांट है मेरे पास। इसका हाइट देखिए 3 फुट प्लस होगा इसका जो हाइट, ये लगाने के काफ़ी अच्छा हाइट है। ये लगाने का आपको लगभग 7-8 महीने के बाद में आपको फला रहने स्टार्टिंग हो जाएगा, देख लीजिए। ये पूरा ऑल टाइम फ्रूट आता है, पूरा 12 महीने भर आपको फ्रूट देखने से मिल जाता है पेड़ का ऊपर। सभी प्लांट देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारे पास, देख लीजिए बहुत सारा प्लांट है। दूसरा प्लांट आप लोग को दिखाएंगे नॉनी फ्रूट का प्लांट है, ये देख लीजिए कितना अच्छा फ्रूट इसमें पकड़ लिया। और ये अभी मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीला कलर भी आ गया है, और कितना अच्छा फ्रूट है, देख लीजिए। ये प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा, देख सकते हैं इसका अंदर अंदर फ्रूट से भी भरा है, और देख लीजिए बहुत अच्छा प्लांट है। ये जो प्लांट देखा रहा है ये आमलोकी का प्लांट है, इसमें जो फ्रूट होता है पूरा मीठा होती है, देखिए। और ये बहुत ही अच्छे प्लांट मिल जाएगा, देख लीजिए। और सभी पेड़ आप लोग को बुलाएंगे, सभी पेड़ में ग्राफ्टिंग होती है, देखिए सभी पेड़ ग्राफ्टिंग वाला है, कोई बीज से तैयार करा प्लांट नहीं है, सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा। ये है कश्मीरी थाई एप्पल, देखिए ये पेड़ भी मेरे पास भी बहुत सारा है। ये पेड़ कमीशन खेती करने के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा। देखिए वाइट कलर का है, ये वाला वाइट कलर का है, दूसरा वाला है रेड कलर का, दो प्लांट भी मेरे पास अभी अभी मौजूद है, देख लीजिए। मैंगो का RE11 मैंगो देखिए, सभी ग्राफ्टिंग है, और कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। इसका हाइट आपको 3 फुट प्लस होगा, और मेरे पास जो जो प्लांट है सभी 3 फुट प्लांट 3 फुट का प्लस होगा, ठीक है। इधर में देख सकते हैं आप, ये है दिसर मैंगो, हम बाहर से खरीद करके लेके आया है मेरा नर्सरी से। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्लांट है, प्लांट का गेटअप भी बहुत ही अच्छा है, और हम लोग बड़ा वाला बैग में डाल दिया है। और ये बहुत ही अच्छा पेड़ का ग्रोथ भी आ गया है, देख लीजिए बहुत सारे प्लांट मेरे पास मिल जाएगा। आप कमीशन खेती करने के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा वीडियो का नीचे नंबर दिया हुआ है, वही नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोरुनाई किंग मैंगो देखिए, ये प्लांट भी है बहुत ही अच्छा है, इसका फ्रूट बहुत अच्छे से होता है। रेड आइवरी मैंगो देखिए, ये प्लांट भी अभी ग्राफ्टिंग नया ग्राफ्टिंग किया है उसमें। ये है 4 kg मैंगो का पौधा है, देख लीजिए इसका जो फ्रूट होता है एक एक फ्रूट में लगभग 4 kg का वजन होता है। ये भी बहुत ही अच्छा भी प्लांट मिल जाएगा। इधर में जो है रेड पालमर मैंगो है, ये देख सकते हैं आप, ये भी कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारे पास। जो छोटा वाला पौधा आप लोग देखा रहिए, वो हम लोग बाई कोरिया में भेज सकते हैं, और बड़ा वाला जो है हम बाई ट्रेन से ही भेज सकते हैं। इधर में हानीडू मैंगो प्लांट, ये देखिए रेड पालमर का पौधा, देखिए कितना अच्छा ग्रोथ, देखिए कितना अच्छा ग्रोथ में इसका आ गया है। ये प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा, देख लीजिए
मेरे पास बहुत सारा मैंगो का वैरायटी है, कोई भी प्लांट लेने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास कोई डुप्लीकेट का प्लांट नहीं मिलेगा, सब ओरिजिनल प्लांट भी मिल जाएगा। आप लोग थाई क्वाद बेल जो छोटा से पेड़ में फ्रूट आ जाता है वो वाला प्लांट है, देख लीजिए। इसमें लगाने के आपको 4-5 मास मारने के बाद आपको फ्लावर भी आना स्टार्टिंग हो जाएगा। गंगावर्धन कोकोनट प्लांट जो छोटा सा पेड़ में हम फ्रूट दिखाया था, हमारा एक मदर प्लांट हम लगाया था ट्राई मारने के लिए, और उसमें देखिए कितना अच्छा है। ये प्लांट भी मिल जाएगा अवेलेबल, देखिए बहुत सारा प्लांट भी है मेरे पास, देख लीजिए। और क्वालिटी बहुत ही अच्छा है पेड़ का, देख लीजिए। थाई चीकू, चीकू का बहुत सारा प्लांट आप लोग दिखाया, जो मेरे पास जो चीकू आज नया करके लेके हम लोग लेके आया है वो वाला आप लोग को दिखाएंगे। थाई लैंगचा वाला चीकू है जो एक एक फ्रूट लगभग 1 kg का आसपास होता है, वो वाला पेड़ हम लोग लेके आया है बाहर से, और छोटा सा पेड़ में फ्रूट आ जाता है, वो वाला प्लांट है, देख लीजिए। यह क्रिकेट बॉल चीकू है, और चीकू का जो प्लांट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका ऊपर फल फूल लगा हुआ रहता है, ठीक है। और हम लोग इंडिया का कोई भी जगह से प्लांट प्रोवाइड करते हैं, और ये प्लांट लेने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से। यह थाई लैंगचा चीकू जो हाइब्रिड वाला बड़ो साइज का होता है वो वाला प्लांट, ये देख लीजिए कितना अच्छा हल्दी प्लांट है हमारे पास। और सभी प्लांट में देखिए सभी ब्रांच भी आ गया है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छे भी प्लांट मिल जाएगा, देख लीजिए कितना अच्छा है। इसका जो फ्रूट होता है लगभग एक एक फ्रूट में 7-8 ग्राम तक वजन हो जाता है। ये हम लोग बड़ा वाला बैग में डाल दिया है पेड़ का ग्रोथ करने के लिए। इसमें अभी देखिए कितना सारा फ्रूट अभी लगा हुआ है, ये थाई चीकू का देखिए सभी डाली में अभी देखिए फ्रूट भी लगा हुआ है। इसका अंदर देखिए ये डाली हम लोग दिखाएंगे, इसका भी फ्रूट लगा हुआ है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और किसान जाती है, और एक बात हम लोग बुलाएंगे, हमारा पास जो प्लांट है कोई भी मिट्टी से कोई भी वेदर से प्लांटेशन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो स्पेशल ये मिट्टी से होगा वो मिट्टी से होगा वो वेदर से होगा, स्पेशल का ही ऐसा नहीं है, कहीं भी मिट्टी से आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो प्लांट है पेड़ का ग्रोथ करने के लिए हम बड़ा वाला बैग में डाल दिया है, और पेड़ का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा से आ रही है, देख लीजिए हम थोड़ा सा दूर से भी दिखा रही है। और इसका जो फ्रूट होता है देखिए अभी छोटा है फ्रूट, अभी बड़ा होने के बाद इसका फ्रूट का बहुत ही अच्छा बढ़िया हो जाएगा। ये है थाई लैंगचा चीकू जो पैदावार भी बहुत ही अच्छा फ्रूट आता है, वाइल्ड टाइम चीकू पूरा 12 महीने पर आपको फ्रूट होता है। ये फ्रूट का साइज़ आपको 7-8 ग्राम तक वजन हो जाएगा, देख लीजिए। हमारे पास बहुत सारा प्लांट है, देख लीजिए हम घुमा घुमा के आप देखा रहिए। स्टार फ्रूट का ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, ये देखिए इसका जो फ्रूट होता है पूरा गुच्छे की तरह होता है, ये देखिए। ये एवोकाडो का प्लांट हम दिखाएंगे, देख लीजिए। कोई कोई आदमी बोलता है एवोकाडो का ग्राफ्टिंग नहीं होता, ये देखिए हम लोग खुद से ग्राफ्टिंग कर लिया है, देखिए मेरे पास भी सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा, कोई बीज से तैयार करा प्लांट नहीं मिलेगा। थाई कॉड बेल पेड़ का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है, और ये लगाने के बाद आपको फ्रूट भी देखने से मिल जाएगा, ये प्लांट भी मिल जाएगा मेरे पास। यह मौसम्बी का लेमन का पौधा है, देख लीजिए कितना अच्छा हल्दी प्लांट है हमारे पास। इसका हाइट आपका 3 फुट प्लस, काफ़ी अच्छा हाइट है लगाने के लिए। ये प्लांट भी मिल जाएगा मेरे पास, देख लीजिए ये सभी ग्राफ्टिंग वाला है। इसका अंदर हम थोड़ा सा नीचे से भी दिखाएंगे, सभी ग्राफ्टिंग वाला है। और इधर में जो है हरिमन 99 एप्पल बेर है, ये वाला हरिमन 99 जो एप्पल होता है वो वाला प्लांट है, देख लीजिए ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ऊपर जो फ्रूट आएगा आपको लगभग
एक डेढ़ साल तो लग जाएगा इसका ऊपर फ्रूट आने के लिए। और हमारा पास जो है आर्यमन 99 ऐसे फ्रूट आता है। और दूसरा प्लांट है चाइना 3 लीची का, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। प्लांट का गेटअप भी बहुत ही अच्छा है। और ये प्लांट का इसका जो फ्रूट होता है इसका अंदर सीड नहीं रहता। और इसका जो फ्रूट का खाने के लिए ये मीठा बहुत ही अच्छा होती है, बहुत ही अच्छा टेस्टी भी है खाने के लिए। और इसका जो ग्राफ्टिंग नहीं होता है, इसमें जोड़ ग्राफ्टिंग होता है। पेड़ का ग्रोथ भी देखिए कितना अच्छा से हम लोग कर लिया है। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। दूसरा प्लांट जो है रेड डायमंड गुआवा, जो आज का दिन में सुपर हिट वैरायटी है, जापानीज रेड डायमंड गुआवा, जो ऑल टाइम होता है। पैदा होने के बाद इसमें फ्रूट भी आता है। और इसका जो फ्रूट आता है पूरा इसका अंदर पूरा रेड कलर हो जाता है। और खाने के साथ साथ आपको इतना अच्छा खुशबू आता है फ्रूट का, ये खाने के लिए बहुत अच्छा भी टेस्टी है, मीठा होती है। और इसमें फ्रूट ज़्यादा पकड़ता है और इसका अंदर पूरा रेड कलर हो जाता है। ये प्लांट भी मिल जाएगा, इसमें हम लोग ज़्यादा बैग बड़ा कर दिया क्योंकि पेड़ का ग्रोथ अच्छा करने के लिए। ये देखिए हम लोग तेरपोल का नीचे से मैं लगा दिया पेड़ का ग्रोथ करने के लिए। बहुत सारी किशन भाई हमारा बोलता है पेड़ का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग ग्रोथ करने के लिए ये काम कर लिया है। देखिए बड़ा वाला बैग के डाल दिया है पेड़ का ग्रोथ करने के लिए। दूसरा प्लांट जो है क्यूबी प्लांट, देखिए कितना अच्छा प्लांट है ये वाला। ये हम लोग बाहर से ख़रीद करके लेके आया है और ये हम लोग बैग में डाल दिया है। और कितना अच्छा ब्रांच भी आ रहा है ये इसका ऊपर, देख लीजिए। बहुत सारा प्लांट भी मेरे पास है लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे प्लांट है मेरा हिसाब से। और किसान साथियों मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। यूट्यूब बैक टू माई चैनल।